Hello friends, welcome once again. In this topic, we will take a subject that is impact of parenting style on child's personality. माँ बाप के जो parenting style है उसका बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. I'm sure आप लोगों को सबको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और जैसे उसकी परवरिश होती है तो माता पिता, उसके बाद समाज, उसके बाद स्कूल और उसका बाकी एनवायरनमेंट उसको बहुत ज़्यादा शेप करता है. एंड इसमें जो बेसिक पेरेंटिंग है वो माँ बाप का है और उनके पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. अब एक सवाल आ सकता है कि हाउ इज़ गणेश बाबू ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट. वेल, इसका रीज़न मैं यही बोलूँगा हाउ आई एम ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट दैट आई एम माई सेल्फ ए फादर. And I have a daughter who's 22 years old, and incidentally, she lost her mother when she was 12 years old. That's about 11 years पहले. उस टाइम वो 12 साल की हो रही थी, and today she is 22. And I'm very proud to say that I have a wonderful relationship with her, where she and me can communicate absolutely honestly. Even if things are not very comfortable or we have difference of opinion, we are able to do that. And to that account, I feel proud that as a single father, I've been able to do that. And that's one. Number two, I'm involved in teenage counseling and marital counseling. So I interact with a lot of people. तो मुझे इस चीज़ का एक समझ है और मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ. और मेरा एज अ सिंगल फादर माई स्ट्रगल इन रेजिंग माई चाइल्ड इज़ माई ओन पर्सनल अकाउंट ऑन विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जिससे कि आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाओगे. सो दैट टेक्स केयर ऑफ द हाउ आई एम एलिजिबल. नाउ व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक टुडे, इसके दो रीज़न है. वन, कि आई कंडक्ट दिस क्लासेस सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, उसमें बहुत सारा यंग क्राउड के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ ऑल इंडिया बेसिस पे. मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दी SSB बैकग्राउंड, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाना चाहते हैं, बट देर आर अदरवाइज ऑल्सो लाइक मेनी स्कूल्स एंड कॉलेज आई एम सिंपली डूइंग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस. लाइक दिस इज अ कॉलेज इन कोयम्बतूर, तमिलनाडु में, वेयर देयर इज नो SSB. इट इज़ प्योरली लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो ऑफलाइन पहले प्री कोरोना यूज्ड टू गो. And I found that many boys and girls, whether it is SSB or non-SSB, they're going through a lot of emotional turbulence because of very unhealthy relationship and attachment styles with the parents. And उसके पीछे माँ बाप का parenting style and माँ बाप का अपना relationship बहुत ज़्यादा important है. कि माँ बाप का अपना relationship इतना ख़राब है कि उस environment में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको वो एक healthy environment ही नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चा खुद एक conflict में आ जाता है और उसका आत्मविश्वास जो है crack होना शुरू हो जाता है. That is one. उसके अलावा मैं parents के साथ भी बहुत ज़्यादा interact करता हूँ. pre-COVID बहुत ज़्यादा था, COVID के दौरान में थोड़ा कम हो गए थे, जूम वगैरह के ऊपर होता बट लिमिटेड हो गया था. एंड देन मैरिटल काउंसलिंग का भी एक्सपीरियंस है. तो उसमें ऐसा लगता है कि जब पति पत्नी खुद ही घुटन में है, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में, अनहार्मोनियस रिलेशनशिप में, ऐसे में उनके बच्चे के परवरिश पे उनका संबंधों का प्रभाव पड़ता है और बच्चों के ऊपर उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ जाता है, जिसके कारण फ्यूचर में भी वो सब्सिक्वेंटली जब बच्चा बड़ा होकर एडल्ट रिलेशनशिप में जाता है, वेदर इट इज़ मैरिटल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सोशल, वहाँ पे भी ये उसको असर करता है. एंड इट अफेक्ट्स हिज अटैचमेंट स्टाइल. ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. दिस इज़ वन. एंड वेरी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जोश टॉक्स में. दैट्स अ सेकेंड रीज़न. और दैट जोश टॉक वॉज बाई दिस लेडी, है ना. द जोश टॉक में उसका टाइटल का नाम है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, पूजा शर्मा. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरी बॉय एंड गर्ल रिक्वेस्ट टू वॉच इट, एंड एवरी पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो वॉच इट टू अंडरस्टैंड कि पेरेंटिंग स्टाइल का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है फ्यूचर में आपके बच्चों के ऊपर. नाउ पूजा शर्मा हैड अ वेरी अब्यूजिव चाइल्डहुड, नॉट बाय एक्सटर्नल पीपल, बाय हर ओन मदर एंड फादर. एंड देन शी गॉट इनटू अब्यूजिव रिलेशनशिप. And she was on the verge of committing suicide, and she came out of that. And today she is an inspiration, and I admire her courage to come on this stage and speak. मेरे तो आँखों से आंसू ही आ गए थे इस Pooja Sharma as a daughter and Pooja Sharma as a wife, the kind of treatment that she got. So I'll request all girls and all boys to watch it and all parents to watch this video by Pooja Sharma, because कहीं ना कहीं हमारे actions के consequence हमारे बच्चों को future में फेस करना पड़ सकता है. और हमारे बच्चों को, जो लोग अभी खुद बच्चे हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड हाउ योर पेरेंट्स स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग इज इम्पैक्ट यू. जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा उतने जल्दी आप उस नेगेटिव प्रभाव अगर कुछ है तो उसे कैसे हैंडल करना, उस रास्ते पे जा सकते हो. अदरवाइज एक नेगेटिव लूप में फंस जाओगे. सो पूजा शर्मा का ये जोश टॉक इज द सेकंड रीजन दैट आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो. एंड अगर फीडबैक अच्छा है तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज बिकॉज मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विथ व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक एंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ पूजा शर्मा. So with that as the backdrop, I'll get back to the today's topic, that is impact of parenting style on child's personality. Now personality जो है ये कोई एक दिन में या दो दिन में या दो हफ्ते में बनने वाली चीज़ नहीं है. ये माँ के गर्भ से लेके आपके मृत्यु तक एक पूरा लर्निंग प्रोसेस है. सो पर्सनालिटी फॉर्मेशन ओवर ईयर्स है ना, पैदा माँ के गर्भ से लेके आज तक का और आगे आने वाले समय का. तो इसे समझने के लिए यूँ समझ लो कि एक बच्चा जब पैदा होता है, इज़ लाइक ए क्ले, और इस क्ले से अगर हमें घड़ा बनाना है तो कुम्हार बीच में होता है, और कुम्हार उस घड़े को इस पॉटर्स व्हील में चलाता है और उस क्ले को रूप देता है घड़ा बनाने के लिए. और कुम्हार बीच बीच में देखना, उधर एक पानी का घड़ा है, उसमें हाथ डालता है ताकि पानी जब लगता है तो घड़े की चिकनाहट बनी रहती है, उसके अंदर लचीलापन आता है. तो उसी ठीक उसी प्रकार से एक माता पिता को भी एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसे एक घड़ा बनाना है तो कुम्हार का काम करना, कुम्हार का काम घड़े को शेप देना है. और इस शेप देने में लव एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए. प्यार की जगह प्यार और सख्ती की जगह सख्ती, दोनों में से कोई भी चीज़ की अति हो जाए तो घड़ा नहीं बन पाएगा. अगर वो पानी ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी का शेप बिगड़ जाएगा, और पानी कम हो जाए तो मिट्टी चटक जाएगी. सो ये जो पानी कुम्हार बीच बीच में हाथ लगा रहा है उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाए, या कुम्हार इस चाक को चलाने जगह हथौड़ा चला दे तो हमारा घड़ा टूट जाएगा और इमोशनल डैमेज हो जाएगा. सेम उसी तर्क पर हमारा ये बच्चा, जब एक बच्चा पैदा होता, आप हो या मेरी बेटी हो या मैं हूँ, हमारे माता पिता हमारे वो कुम्हार है जिन्होंने आज हमें घड़े के रूप में विकसित किया है. और उस घड़े में लव एंड लॉ का अगर बैलेंस है तो हमारे व्यक्तित्व में एक बैलेंस होगा, अगर नहीं होगा तो हमारे व्यक्तित्व में भी इम्बैलेंस होगा. तो एक स्टेटमेंट अंग्रेजी में कहता है, बिहाइंड एवरी चाइल्ड हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ या हर सेल्फ, हर उस बच्चे के पीछे जो अपने ऊपर विश्वास करता है, इज़ अ पेरेंट हु बिलीव्ड इन देम फर्स्ट. उस बच्चे के पीछे पहले एक माता पिता है जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया और अपने पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर विश्वास किया. सो बच्चे का भविष्य में आत्मविश्वास किस स्तर पर होगा, उसका जो पैमाना है वो माँ बाप का पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर आ जाता है. उसके बाद फिर समाज और स्कूल आगे आ जाता है. सो बिहाइंड एवरी चाइल्ड हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ इज़ अ पेरेंट हु बिलीव्ड इन देम फर्स्ट. तो बच्चा एक मजबूत घड़ा बनता है या एक क्रैक घड़ा बनता है. इसमें सबसे पहले मूलभूत माता पिता का रोल आ जाता है. तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल. एक बच्चे का जब जन्म होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक बच्चे का जब जन्म होता है वो बच्चा एक लैपटॉप की तरह है, नया लैपटॉप. इस नए लैपटॉप को आपको प्रोग्राम करना पड़ता है और उन प्रोग्राम्स को डालना पड़ता है जो आप इसके ऊपर चलाना चाहते हो. बिना उन प्रोग्राम के डाले दिस कंप्यूटर विल ओनली हैव सम एसेंशियल बेसिक थिंग्स, बट उसके आगे नहीं कर पाएगा. सो सिमिलरली जब एक बच्चा पैदा होता है द चाइल्ड नीड्स टू बी प्रोग्राम्ड, और इसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता का आता है. एंड देयर कम्स द पेरेंटिंग स्टाइल. अगर ये माता पिता ने पेरेंटिंग सही किया तो बच्चे की प्रोग्रामिंग सही हो जाएगी, और बच्चे की प्रोग्रामिंग सही होगा तो बच्चा भविष्य में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा. लेकिन अगर ये पेरेंटिंग स्टाइल गलत हो गया और गलत प्रोग्राम हो गया, बच्चा बिगड़ जाएगा. और फिर बाद में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू करेक्ट एन एडल्ट, इट्स वेरी ईजी टू प्रोग्राम ए चाइल्ड. तो जो गलतियाँ फ्यूचर एडल्ट स्टेज में बदली करने में बहुत तकलीफ होता है, बचपन में अगर माँ बाप और समाज और स्कूल ध्यान दे तो उसे बचपन में प्रोग्राम करना आसान है, बजाय कि बड़े होके उसको दुरुस्त करना. सो what you have to understand as a parent and as a child who is still under the influence of parent, that it is not what parents do for their children. माता पिता अपने बच्चों के लिए physical level पे क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, क्या मायने ज़्यादा रखता है, but what their parents have taught their children to do for themselves. माता पिता ने अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़े होने की सिखलाई के लिए क्या किया वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. माँ बाप बच्चे के सिर पे छतरी पकड़ के चलेंगे तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा. बच्चे को अपनी छतरी खुद पकड़ने सिखाने से बच्चा जो है निर्णय लेने की क्षमता प्रोड्यूस करता है. सो इट इज़ नॉट व्हाट पेरेंट्स डू फॉर द चिल्ड्रन but what parents have taught their children to do for themselves, that will make them successful human beings in their future career and relationship बाद में subsequently. तो parenting का एक सबसे बड़ी responsibility जब बच्चा एक 4-5 साल का होता है उसको सामाजिक हदें समझाना, समाज के अंदर कैसे रहना है उसके बाउंड्रीज़ को बताना. सो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है सेटिंग लिमिट्स या एक्सेप्टेबल बिहेवियर की बाउंड्री. ये हर घर का अलग अलग होता है बिकॉज हर घर का कायदे कानून, हर समाज का कायदे कानून, जैसे मैं केरला का हूँ, आप कहीं और के हो, आप यूपी के हो, दिल्ली के हो, बिहार के, आप एक मुस्लिम बैकग्राउंड से, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से, क्रिश्चियन, हम सबकी सामाजिक जो बनावट है वो अलग अलग है क्योंकि हमारे माता पिता ने वो बाउंड्रीज हमें बचपन में सेट करना है. अब उस बाउंड्रीज़ को सेट करने के लिए लव एंड लॉ का यूज़ करते हैं, वो किस मात्रा में करते हैं और कैसे करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा चाइल्डहुड में किस तरह से हमारा वैल्यू सिस्टम बिल्ट होता है, बिलीफ सिस्टम बिल्ट होता है, एटीट्यूड बिल्ट होता है, नीड्स एंड मोटिव्स, और हम किस तरह से डू वी बिकम हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, फाइनेंस, एवरीथिंग इज बिल्ट अप एंड शेप्ड फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड एंड कीप्स बिल्डिंग अप एज वी बिकम एडल्ट्स. पर उसकी बुनियाद, उसकी नींव, उसका इनिशियल बीज रखने का काम किसका है? माता पिता. माता पिता गुरु देवम. सो फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड्स वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव, ये सब जो है ये सब हमारे व्यक्तित्व को फ्यूचर में इन्फ्लुएंस करता है और क्योंकि हमारे व्यक्तित्व को इन्फ्लुएंस करता है वो हमारे व्यवहार में बाहर समाज में दिखाई देता है. सो पेरेंटिंग स्टाइल अगर नेगेटिव हो जाए, इफ़ पेरेंटिंग स्टाइल इफ नेगेटिव, इट कैन हैव adverse effect on the psyche of the child, even to the point of causing psychological and emotional damage, permanent damage हो सकता है. अगर ये पेरेंटिंग स्टाइल, माता पिता बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, मारपीट करते हैं, छोटे बच्चों को गाली गलौज करते हैं, बच्चों को हर चीज़ में नीचा दिखाते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, मतलब मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा मेरे अपने पर्सनल काउंसलिंग एक्सपीरियंस से कि समटाइम पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं they were not even prepared to become a parent but they created a child and they don't know how to handle that child and they misused it, abused him and he or she became a monster. The monster was not created by God but the parents created them because they didn't know how to do that parenting and they were not prepared. तो अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल है. तो बच्चों का अगर पेरेंटिंग स्टाइल गलत पड़ जाए और कुछ उसकी मात्रा ज़्यादा गलत हो जाए तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डैमेज हो जाता है जिससे कि सब्सिक्वेंट स्टेज में करेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो स्कार्स इतने डीप हो जाते हैं. और उसी जगह में अगर एक पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा हो जाए, ए गुड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग इज़ वन जहाँ पे पेरेंट्स रेस्पेक्ट देयर चाइल्ड एंड देयर नीड्स एंड सिमिलर द चाइल्ड रेस्पेक्ट्स द पेरेंट्स on it's a reciprocal two-way relationship. So a good style of parenting is one where the parents respect the needs and emotions of their child as much as the child respects. It's a two-way given. यहाँ पे respect दिया जाता है और respect मिलता है बजाय कि डंडा चला के होता है. That's the difference in constructive style of parenting and a destructive style of parenting. और इस तरह के माहौल में बच्चों को love and law का बड़ा क्लियर अंदाजा होता है और उसे पता है what is acceptable behavior, what is not acceptable. इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, बच्चा गलती करेगा बट उसे एक डिस्कशन के प्रोसेस से वापस सही रास्ते पर लाना आसान होता है बिकॉज यहाँ पे रिस्पेक्ट इज़ गिव एंड टेक रिलेशनशिप के ऊपर चलता है. तो अवेयरनेस ऑफ एक बच्चे का एज अ पेरेंट्स, अगर हमें ये पता हो कि एक बच्चे का जो पेरेंटिंग है उसमें सिर्फ एक सिंगल ट्रैक नहीं है कि फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया या पढ़ाई में नंबर 1 आ गया तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा या एक मोटी कमाई मिल जाएगा. नो, देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ ए चाइल्ड्स ग्रोथ इन पर्सनालिटी. अगर माँ बाप को ये बहुत बचपन से ही पता चल जाए तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि इन डायमेंशन का किस प्रकार से पेरेंटिंग के दौरान में इसको ध्यान रखना है ताकि बच्चा एक संतुलित, एक बैलेंस पर्सनैलिटी में डेवलप हो. बिकॉज इम्बैलेंस हो गया तो लेटर उसको करेक्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क हो जाता है और कभी कभी इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है. सो लेट्स सी दी 4 डायमेंशंस ऑफ ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट. तो एक बच्चा जब पैदा होता है 2.5 kg का होता है, इस बच्चे का जो विकास है वो 4 स्तर पर होता है. एक डायमेंशन दिखता है, 3 दिखता नहीं है. सो लेट्स कॉल जो दिखने वाला है वो हार्डवेयर डायमेंशन है और जो नहीं दिखने वाला वो सॉफ्टवेयर डायमेंशन है. तो फिजिकल डायमेंशन इज द हार्डवेयर डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर डायमेंशन, इमोशनल इज द सेकेंड सॉफ्टवेयर डायमेंशन एंड एनर्जी और द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज द 4th इनविजिबल डायमेंशन. तो इट इज़ लाइक यूँ समझ लो कि एक डायमेंशन आँखों से देख सकते हो, बाकी 3 डायमेंशन आँखों से नहीं दिखता बट ये डेवलपमेंट होता है. और अगर ये सही होता है तो इसका प्रभाव उस बच्चे के बिहेवियर में दिखता है और अगर नहीं हुआ तो भी उसका प्रभाव बच्चे के बिहेवियर में दिखता है. तो जब हम बैलेंस पर्सनालिटी की बात बोलते हैं या होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यथार्थ में हम इन चारों डायमेंशन को बैलेंस करने की बात बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली आज ये पेरेंटिंग में भी मिसिंग है और स्कूलिंग में भी मिसिंग है. पेरेंटिंग में इसलिए मिसिंग है क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं है और एजुकेशन में इसलिए मिसिंग है बिकॉज आज हमारा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो लॉर्ड मैकेले ने बनाया उसमें इन चीज़ों को हटा दिया गया है एंड क्लियरली एक एकेडमिक ट्रैक पे चला दिया, वो भी रोट मेमोरी बेस है ना. आपने 3 इडियट देखा होगा, प्राण घटकम थुचुक थुचुक चमत्कार पे चमत्कार. सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा पूरा जो एक सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बीन स्मैश्ड एंड हैज़ बीन डैमेज एंड अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक रिगेन नहीं हुआ. आज़ादी के इतने साल भी हमारा अभी भी वो पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है. अभी एक नया एजुकेशन सिस्टम आया, इट इज़ मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉमिसेस, वी ओनली हैव टू सी कि कब ये इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड में, कब चीज़ें यथार्थ में चेंज होता है. तो आज हमारा जो डेवलपमेंट है वो बड़ा सिंगल ट्रैप डेवलपमेंट है जहाँ पे हम बच्चे को सिर्फ 98% लाए तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, वेयर एज द पीपल आर नॉट अवेयर कि देयर आर अदर डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. और इसको और अच्छे से समझने के लिए यूँ समझ लो एक बच्चे का डेवलपमेंट इज़ लाइक दिस कार विथ 4 टायर्स. क्या हम इस कार के सिर्फ 1 टायर को या 2 टायर को ध्यान रख सकते हैं और बाकी को इग्नोर कर सकते हैं? इस कार में ये पॉसिबल है क्योंकि हमें चारों टायर दिखता है. व्हाट हैपन्स इफ 1 टायर इज़ विजिबल, अदर 3 आर नॉट विजिबल? सो हमारे जीवन के 4 टायर ये हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इंटरपर्सनल एंड द वैल्यू डायमेंशन और द एनर्जी डायमेंशन. सो तो जिन माता पिता को इसका आभास है और जिनका अपना बैलेंस है वो अपने बच्चे को दे पाएंगे. अदरवाइज हम अपने बच्चे को वही दे पाएंगे जो हमारे पास है. वी कैन नॉट गिव देम व्हाट वी डोंट हैव. तो ये जो लोग पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर यू विल टेक केयर ऑफ दिस. एंड जो बच्चे देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपका किस कोई डायमेंशन मिसिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी जल्दी समझ लो उसे अभी से ही करेक्ट कर लो बजाय कि एक एडल्ट स्टेज में जाके कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ और हम एक टायर या 2 टायर पे अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चला. दैट बी वेरी स्ट्रेसफुल. सो यहाँ पे आ जाता पेरेंटिंग स्टाइल और उसका इम्पैक्ट. तो पेरेंटिंग स्टाइल को समझना है तो इसको हम 2 पैमाने पे समझ सकते हैं. पहला डिग्री ऑफ सपोर्ट बाय द पेरेंट्स, सपोर्ट और लैक ऑफ सपोर्ट. सपोर्ट मतलब कितना अपने बच्चे को आप परवरिश में सपोर्ट करते हो या अनकेयरिंग में हो जाता है. तो इसको एक रेंज में हम ले सकते हैं और वो रेंज है लो से लेके हाई तक. सो लो रेस्पॉन्सिवनेस, लो वार्मथ, लो सपोर्ट से हाई रेस्पॉन्सिवनेस, हाई वार्मथ एंड हाई सपोर्ट. दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन, डिग्री ऑफ सपोर्ट. द सेकेंड डायमेंशन इज डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशन. माता पिता बच्चों से कितना डिमांड करते हैं टू बिहेव इन ए एक्सपेक्टेड सोशली एक्सेप्टेबल मैनर. तो वो उसमें भी आप हाई से लो हो सकते हो, हाई बिहेवियरल कंट्रोल एंड डिमांडेडनेस और लो बिहेवियरल कंट्रोल ऑब्लिक लो डिमांडनेस. इसके आधार पर 4 क्वाड्रेंट में हम अपने पेरेंटिंग स्टाइल को देख सकते हैं. पहला है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग जिसमें कि बच्चे के ऊपर लो रेस्पॉन्सिवनेस, लो वार्म, लो सपोर्ट एंड लो बिहेवियरल कंट्रोल एंड डिमांडनेस. मतलब बच्चे को पैदा करके कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ दिया, अपने आप ही धक्का मार के बड़ा हो रहा है. दैट्स फर्स्ट एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों लो है. सेकेंड इज परमिसिव. परमिसिव में बिहेवियरल कंट्रोल और डिमांडेडनेस या एक्सपेक्टेशन बाउंड्री सेट करना लो, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस एंड वार्मथ एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा. इसको पैम्पर्ड पेरेंटिंग भी बोलते हैं जिसमें बच्चे को सिर पे चढ़ा दिया जाता है और बच्चे की हर चीज़ को हाँ माना जाता है. इनफैक्ट पेरेंट्स, माता पिता बच्चों को प्लीज करने के चक्कर में रहते, बच्चों को राजा बनाते और उसके पीछे दो मिला के। ऐसे पेरेंटिंग को परमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं और इसका बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होता है। बच्चा डेवलप्स इनटू सीरियस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, बाउंड्रीज उसको सेट नहीं कर पाएंगे, बच्चा को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसको सर्व करने के लिए। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस पेरेंटिंग जहाँ पे लो कंट्रोल है लेकिन वार्मथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस हाई है और बच्चे की हर मंशा को पूरी करते हैं। तीसरा कैटेगरी है अथॉरिटेरियन, यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस लो है, वार्मथ लो है लेकिन बिहेवियरल कंट्रोल ज़्यादा है, यानी ये डिक्टेटर टाइप माँ बाप है जो बच्चा हिला तो पिटा, हर चीज़, बच्चे ने नाक भी साफ करना माँ बाप से पूछेगा। ऐसे बच्चे दब्बू बन जाते हैं, ऐसे बच्चे जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते, दब जाते हैं और एडल्ट स्टेज में कभी कभी ये बहुत ही ओवरली एग्रेसिव हो जाते हैं और माँ बाप को ही इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज माँ बाप ने बचपन में उन्हें इग्नोर कर दिया और एक्सट्रीमली रूथलेस डिक्टेटर बन गए। वी विल सी अबाउट दिस। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट डिजायरेबल इज अथॉरिटेटिव। थर्ड इज अथॉरिटेरियन, द फोर्थ इज अथॉरिटेटिव, जहाँ पे हाई बिहेवियरल कंट्रोल एंड हाई डिमांडेडनेस है, प्लस एट द सेम टाइम हाई रेस्पॉन्सिवनेस एंड वार्मथ एंड सपोर्ट भी है। यहाँ पे बच्चे को लव एंड लॉ में बड़ा परफेक्ट बैलेंस है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बच्चे के साथ जो भी रूल सेट करते हैं वो बताया जाता है क्यों सेट करना है। अथॉरिटेरियन में मैंने हुक्म दिया, मैं बॉस हूँ, बस होगा, उसमें फिर सवाल नहीं है ना क्लैरिफिकेशन है। वेरस अथॉरिटेरियन में बच्चे को बताया जाता है वाई दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल, वेरस इन केस ऑफ अथॉरिटेरियन द चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड वाई द पेरेंट्स आर इम्पोजिंग, ही इज सिंपली मेड टू कंप्लाई। तो इनके कुछ कैरेक्टर्स है जिसको हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पे क्विकली आई टेल ऑल फोर के जल्दी से। अनइन्वॉल्व में बच्चे और माँ बाप के बीच में एक बहुत इमोशनल डिस्टेंस होता है, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट रहते हैं और कभी कनेक्ट करने की कोशिश भी किया, बच्चा नज़दीक भी आता है उसे धक्का मार के दूर कर दिया जाता। पूजा शर्मा के उस वीडियो में आप देखना, ये बहुत अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट इज अनइंटरेस्टेड, माँ बाप को फ़र्क ही नहीं पड़ता बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, पिट के आया, मार खाया, खाना खाया, कुत्ता बिल्ली की तरह छोड़ दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे चल रहा वो है ना। नेग्लेक्टफुल है, पैसिव है, एब्सेंट, अनकेयरिंग, दिस इज कम्प्लीटली नेगेटिव, मतलब बच्चे को पैदा कर दिया, कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ दिया, बच्चा अपने आप ही स्ट्रगल करके बाहर निकल रहा है। इसके कुछ प्लसेस भी है, कुछ माइनसेस भी है, जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज अथॉरिटेरियन पनिशमेंट, गलती किया पिटेगा, मतलब रिस्पॉन्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वार्मथ नहीं है, लेकिन पनिशमेंट पूरा डिक्टेटर है, गलती किया तो छूटेगा नहीं, तो बच्चा डरा रहता है, सहम जाता है, उसको हमेशा डर लगता है मैं कुछ करूँगा गलत तो नहीं हो जाएगा। रिजिड है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है माँ बाप के पास, बहुत सख्त है ना। बिकॉज आई सेड, बच्चा बोले क्यों, मैंने क्या गलती किया, कोई गलती नहीं किया, मैंने बोला तुझे करना पड़ेगा, दैट्स इट, मतलब आई एम योर फादर, यू आर माई स्लेव, यू हैव टू लिसन टू इट, दैट्स अ काइंड ऑफ इक्वेशन, दिस इज वेरी वेरी बैड। नेक्स्ट इज ओबीडियंस, यहाँ पर कंप्लायंस चाहिए, ब्लाइंड फॉलो, बस मैंने बोल दिया सवाल नहीं पूछना, तो बच्चा फॉलोअर बन जाता है, उसके इंडिपेंडेंट थिंकिंग खत्म हो जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को बर्बाद कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई भी निर्णय लेने की क्षमता को मार दिया जाता है। ऐसे बच्चे जीवन में किसी भी लीडरशिप पोजीशन में जा नहीं सकते क्योंकि दब्बू हो जाते हैं। कैपेबल होंगे लेकिन वो घबराएंगे क्योंकि बाप और माँ मारते थे, कहीं बॉस ना मार दे, तो कभी भी लीडरशिप पोजीशन में ऐसे लोग दब्बू हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, साइकोलॉजिकली गुलाम, है ना। ऑटोक्रेटिक, दादागिरी, टोटल गुंडागर्दी, ऑटोक्रेटिक, है ना, स्टेटस के ऊपर, मेरा पोजीशन को तूने चैलेंज कैसे किया, मैं बाप हूँ तेरा, मैं तेरी माँ हूँ, तूने मुझसे ऐसे जुबान कैसे लगाया। सो देयर इज नो कम्युनिकेशन हियर, है ना, आई एम द बॉस, है ना। डायरेक्टिव स्टाइल, डायरेक्शन मतलब मैंने जो किया बोला बस करेगा, तेरे को आर्ट्स करना साइंस करना कुछ नहीं, मैंने बोला तू इंजीनियरिंग करेगा तो करेगा, मेरे को इंजीनियरिंग करना नहीं चलेगा, मैंने बोला, मैंने तेरे को पैदा किया, तू करेगा, गुलाम वाला स्टेटस आ जाता है। एंड बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर मतलब कायदे कानून के फेंसिंग के अंदर ही काम करेगा, एक स्टेप बाहर लिया टांग तोड़ दिया जाएगा। ऐसे बच्चे दब्बू हो जाते हैं और निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, आत्मविश्वास टूट जाता है, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे सही और गलत के बीच में और हमेशा डरे रहेंगे कि मैंने ये डिसीजन ले लिया तो कुछ गलत हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, वो बचपन में ही कीड़े भर दिया जाते। परमिसिव में उल्टा है, परमिशन में बच्चा इज़ द बॉस, बच्चा माँ बाप को नचाता है, बच्चा हुक्म देगा माँ बाप नाचेंगे, मम्मी अपनी जॉब छोड़ के बच्चे को संभालने में लग जाती है, टोटल बच्चे के पीछे छतरी उठा के, बच्चा राजा हम उसके नौकर, है ना, नो गाइडेंस, यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है। बच्चा जो बच्चा डिसाइड करेगा वो माँ बाप उसकी खुशी के नाम से सब कुछ कर देंगे। बच्चे ने बोला मुझे ये चाहिए ले लो, मुझे बच्चे ने बोला मुझे स्कूटर चाहिए ले ले, मुझे ये चाहिए ले ले, पापा के सिर पे बैठ के खाऊंगा कर ले। सो नो डायरेक्टिव, पैसिव है, मतलब माँ बाप एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जगह पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, रिस्पॉन्सिव है, बच्चा जो बोले वो कर रहे हैं, है ना। ओवर इन्वॉल्व पेरेंटिंग है। ओवर इन्वॉल्व मतलब बच्चे का होमवर्क मम्मी पापा करते हैं, बच्चा टीवी देखता है और बच्चे को बोलते भी नहीं क्योंकि लाडला है ना। अपीजमेंट, बच्चे को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं ऐसे पेरेंट्स। एंड बच्चे के ग्रोथ में जो असर हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। एंड इसमें रोल्स क्लियर नहीं होता, बच्चे को समझ नहीं आता क्या सही क्या गलत, बिकॉज बच्चा कॉन्स्टेंटली कंफर्ट जोन को पुश करता है, माँ बाप के लिमिट्स को पुश करता है, और माँ बाप कॉन्स्टेंटली पीछे हटते रहते हैं और बच्चा उसको धक्का मारता है। ऐसा बच्चा एडल्ट में भी जाके एक मैच्योर रिलेशनशिप नहीं बना पाता, इनसिक्योर हो जाता है, और उसको कोई भी उसको अपोज करे वो बिल्कुल तिलमिला जाता है, बिकॉज उसने आज तक माँ बाप को क्या देखा है, उसकी हर बात को मानते, लेकिन समाज तो नहीं मानेगा, उसको ऑफिस में तो नहीं मानेगा, कल को उसकी शादी हो जाएगी वहाँ तो नहीं चलेगा। तो दे हैव सीवियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम अगर पैम्पर्ड पेरेंटिंग या परमिसिव पेरेंटिंग जो बच्चे करते हैं। एंड दीज पेरेंट्स आर टू लीनियंट, देयर इज ओनली लव, देयर इज नो लॉ। तो ऐसे बच्चे क्राइम, ड्रग्स, यू नो अर्ली टीनेजर्स में गलत रास्ते पे भटकने का, ड्रग्स में जाने का बहुत चांसेस होता है, बिकॉज इनका एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट नहीं होने के कारण उनको टीनेज में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुआ था, जो कि सब्सिक्वेंटली लेटर स्टेज में उनको एक डेविएंट बिहेवियर की तरफ ले जाने की संभावना है। और एडल्ट रिलेशनशिप में दे डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स बिकॉज दे हैव नेवर सीन बाउंड्रीज। सो बाउंड्रीज के अंदर वो काम नहीं कर पाते और एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के ऊपर वो काम नहीं कर पाते because of these tendencies by the parents. Next is the authoritative. Authoritative में standards है, यहाँ पे हर कुछ enabling है। बच्चे को गलती करता है, बच्चे से discussion करके उसको करेक्ट किया जाता है, बच्चे को empower किया जाता है, responsibility देते हैं और साथ साथ में उसके साथ में accountability भी दिया जाता है ना। flexible है, माँ बाप अपने style को संदर्भ के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डेमोक्रेटिकली बदलते हैं। सपोर्टिव है, बच्चे को सपोर्ट करते हैं टू ग्रो, गलती करे तो करेक्ट करते हैं और सही करे तो शाबाश बोलते हैं। यहाँ लव एंड लॉ का बड़ा एक सुंदर बैलेंस होता है। गाइड करते हैं, निर्देश देते हैं बच्चों को उस लाइन पर चलने के लिए। बच्चा गलती करे तो प्यार से उसे वापस लाते हैं, डिस्कशन के थ्रू उसे समझाया जाता है। फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को फ्रीडम दिया जाता है कि आप अपने समझ के मुताबिक डिसीजन लो और अपने डिसीजन के अकाउंटेबिलिटी पे लो। यहाँ पे बच्चा निर्णय की शक्ति डेवलप होती है, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली बचपन से ही बोला है कि तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, और सही गलत क्या उसको सोचने पे विवश किया जाता है। और अगर उससे गलत हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पापा मैंने ये किया गलत हो, कोई बात नहीं बेटा अगली बार ठीक कर देना। सो ये करेक्शन का प्रोसेस इतना ज़बरदस्त होता है कि बच्चे के अंदर क्लैरिटी आता है, डिस्क्रिमिनेटरी स्किल डेवलप हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल डेवलप हो जाता है, इवैल्यूएशन स्किल्स डेवलप हो जाता है, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना सीख जाता है। छोटे में ही समझ जाता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए या टॉय खरीदना, दोनों में से एक खरीदना। बच्चा बोलता दोनों चाहिए, परमिसिव पेरेंटिंग में दोनों मिल जाता है। यहाँ पे उसको चॉइस दिया जाता है कि बेटा चॉकलेट लेना तो चॉकलेट लो, ये लेना तो आपके पास ₹10 ही है। Now the child has to make a decision, so he develops that ability to take decisions in life, है ना। होमवर्क करना है तो करो, नहीं करना है टीवी देखना तो देखो, लेकिन कल जब टीचर आपको डांटेगी और बाहर कान पकड़ के खड़ा कर देगी, यू हैव टू टेक इट। तब नहीं बोलना पापा मम्मी ने होमवर्क नहीं किया, मम्मी विल नॉट डू द होमवर्क, मम्मी विल हेल्प यू टू डू द होमवर्क, यू हैव टू डिसाइड होमवर्क करना है टीवी देखना। एंड द चाइल्ड वॉचेस टीवी एंड नेक्स्ट डे द मदर डज नॉट गो एंड फाइट विद द टीचर कि मेरे बच्चे को पनिशमेंट क्यों दिया, बिकॉज मदर नोज कि बच्चे को आज पनिशमेंट दिया तो बच्चे को आज समझ में आ जाएगा कि एवरी डिसीजन दैट ही टेक्स इट हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस। और अगले दिन जब आता है मम्मी आज टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया बाहर, मम्मी डज नॉट सपोज द चाइल्ड, मम्मी ओनली सेज कि बेटा देखो आपको टीचर ने बोला था होमवर्क करना था, आपने नहीं किया, तो जब आपने होमवर्क नहीं है तो टीचर आपको डांटेगी, उसमें मम्मी क्या करेगी, नहीं मम्मी गलती हो गया, हाँ गलती हो गया तो कोई बात नहीं, लेट्स फर्स्ट डू द होमवर्क देन वॉच द टीवी एंड द चाइल्ड इज करेक्टेड। सो दैट्स वेरी you know democratic way of treating the child, where the child is given the freedom to take decision and also made to take the responsibility. ऐसे बच्चे बहुत ज़बरदस्त लीडर्स बनते हैं फ्यूचर में। वो अपने आप को कुछ भी जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें पता है कि मैं जो करूँगा उसका परिणाम क्या होगा, और वो परिणाम उन्हें पसंद नहीं है तो उसे कॉज को ही बदल देते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन मेकर्स। उन्हें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में ही सिखाया जाता है। इस चीज़ को एक एडल्ट स्टेज में सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे लोगों को एक्सप्लॉयट करना भी बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज ये लोग अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते. नेक्स्ट इज ये पेरेंट्स असर्टिव होते हैं. जहाँ पे ये पेरेंट्स को नो बोलना होता है वो नो बोल देते हैं और जहाँ पे उन्हें यस बोलना है मतलब कब फ्रीडम देना है और कब ढील देना है और कब पीछे खींचना है ये माँ बाप कर रहे थे. दे वर्क ऑन दिस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. इट्स अ डेमोक्रेटिक पॉलिसी सो दिस इज़ वेरी गुड कि मतलब ये बच्चे प्यार भी करते हैं और सख्त भी हो सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, है ना. ये बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन कराते हैं बजाय कि एक्सटर्नल रेगुलेशन. माता पिता ऑटो अथॉरिटेरियन में कंप्लीट कंट्रोल माँ बाप के पास है. यहाँ पे बच्चे का रिमोट कंट्रोल बच्चे के पास है. बच्चे को बताया जाता है कि तुमको क्या सही लग रहा है वो करो एंड बच्चा गलती करता है उसको वापस लाते हैं. सो यहाँ पे बच्चा शुरुआत से ही नियंत्रित हो जाता है. तो आई डोंट नो आप लोगों को कितनों को समझ में आ रहा है मुझे बताना. एंड डेमोक्रेटिक होता है यहाँ पे हर चीज़. अगर कोई कानून लगाना है तो कानून लगाने से पहले उस कानून के मुद्दे पे चर्चा होती है कि बेटा क्यों तुम्हें 8 बजे तक घर में वापस आना है, क्यों तुम्हें होमवर्क पहले करके टीवी देखना. ये बात पहले समझाया जाता है, बच्चे को कन्विंस किया जाता है, फिर बच्चे को दिया जाता है. बच्चा गलती करता तो वापस रूल पे लाते हैं. वेरस अथॉरिटी में सवाल नहीं पूछ सकता, बस पापा ने बोला तो बोला है. वहाँ पे बच्चे को ये समझ में नहीं आता वाई दिस लिमिट्स आर सेट. वेरस इन केस ऑफ अथॉरिटेटिव वहाँ पे बच्चे को बताया जाता है दिस इज़ द रीज़न. सो बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग तर्क शक्ति डेवलप हो जाती है. इस चीज़ को लेटर स्टेज में डेवलप करना मुश्किल हो जाता है और जिनका डेवलप नहीं होता उन्हें बेवकूफ़ बनाना भी लेटर स्टेज में बहुत आसान होता है. तो ये कुछ पेरेंटिंग स्टाइल है जिसके आधार पर आपका बचपन जो है एडल्टहुड की तरफ जाता है. और आपको पता है टीनेजर्स फेस में अगर पेरेंट्स के साथ माँ बाप के साथ बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा हो तो इट कैन बी ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ. अदरवाइज इट इज़ अ फेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम जहाँ पे बच्चा रिवोल्ट करता है, बच्चा स्ट्रक्चर्स तोड़ता है, बच्चा माँ बाप के साथ रिवोल्ट करता है, उसके दोस्त बढ़िया हो जाता है. उस टाइम अगर कोई गलत संगत मिल गया तो उसके पूरी दिशा भी गलत हो सकती है. तो ऑल दोज थिंग्स आर इश्यूज दैट विल डिस्कस इन दी सब्सिक्वेंट थिंग. तो एडल्ट में जो बच्चों का बिहेवियर है and subsequently in a married relationship or in a professional relationship, how do they conduct in a married relationship, how well they understand each other, all those things की बुनियाद होती है parenting से. So that defines the adult's behavior. So it's very very important कि as parents, जो लोग मेरे को parents सुन रहे हैं, you have to very clear कि आपका what is your style of parenting. आज आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि बच्चे को एकदम पैम्पर कर रहे हो, लेकिन ये पैम्पर्ड बच्चा कल को नियमों को एक्सेप्ट करने में उसको प्रॉब्लम आएगा और उसको वो एक्सपेक्ट करेगा कि हर व्यक्ति जो उससे डील करेगा वो उसी तरह से पैम्पर करेगा. उसके मैरिटल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकता है. और जो लोग बहुत अथॉरिटेरियन, आज आपको लग रहा है कि आपके बच्चे आपको बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये बच्चा बड़ा हो जाएगा ये ऐसा रिवोल्ट करेगा कि आपको झटका लग जाएगा कि ये बच्चा क्या हो गया, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है. अब वो पिंजरा घुंघरू तोड़ के अपना घोंसला तोड़ के जा रहा है. द चाइल्ड कैन रिवोल्ट. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पेरेंटिंग स्टाइल को अभी मोल्ड करो ताकि बच्चा उस फेज़ में आपके साथ दूर होने की जगह आपके साथ रहे एंड आपको समझ के काम करे. इनिशियली ये चीज़ पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एडल्ट स्टेज में पेरेंट्स वो चांस लूज़ कर जाते हैं, फिर बच्चों के ऊपर आ जाता है. लेकिन तब तक बच्चे सेकेंडरी रिलेशनशिप बन जाते हैं और उनकी शादीशुदी हो गए तो और दूर चले जाते हैं. एंड देन पेरेंट्स स्टार्ट रिग्रेटिंग कि ये क्या कर दिया. एंड आई नो कपल ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम माई ओन फैमिली who are going through this pain because they were very authoritarian in the initial stages. Now today they have lost the children because children don't care for them, because children feel when we needed them they never cared. Now why should I care? That can be a very damaging relationship. तो जरा इसके बारे में सोचना. तो आज as an adult it is your turn to understand how has the parenting style of your parents affected you and what are the damages if something has happened and how can it be corrected. And if it is healthy, it is now your turn to make sure that this relationship of harmony between you and your parents is continued for their balance of the life, so that there is a complete balance in relationship. So पार्ट 2 में डिपेंडिंग अपॉन आप इसका फीडबैक क्या देते हो, वी विल सी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल एंड चाइल्ड पर्सनालिटी एंड हाउ दीज करेक्शंस टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ दिस डैमेज. कुछ बच्चे इमोशनली एकदम वल्नरेबल हो जाते हैं, इनसिक्योर रह जाते हैं, मैरिटल सेक्शुअल अब्यूज़ हो जाता है बचपन में, इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है, माँ बाप इतने कड़वा भाषा बोल जाते हैं या माँ बाप इतने लिबरल हो जाते हैं कि वो सब बच्चों को डैमेज करता है एंड उनके लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी डैमेज हो जाता है। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर आप मुझे ज़रूर फीडबैक बताना कि इससे क्या समझ में आया। दोबारा मैं आपसे बोलूँगा कि माँ बाप जो इसे सुन रहे हैं और जो बच्चे इसे सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू वॉच पूजा शर्मा का टेड टॉक स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। इट्स ए हार्ट टचिंग वीडियो एंड आई एम माई सेल्फ अ फादर। आई क्राइड लिसनिंग टू हर स्टोरी कि हाउ कैन ए पेरेंट्स do like that to the children and how can a husband treat his wife like that, and it's very scary, but then that's the truth, and I think many of us are suffering, and I've interacted with many boys and girls of that nature during the self-management leadership classes, and many of them were going for armed forces ka selection, which is a personality based selection, but their personality is severely damaged. Some of them attempted to commit suicide, so that's very dangerous. And I think it needs to be fixed, and the best thing is it can be fixed provided there is awareness. So request you to kindly subscribe this channel, share it, comment, put comment, and जिन लोगों को आपको लगता है ये relevant है उनके साथ ये जरूर share करना। इसके अलावा जो लोग self management leadership classes जानना चाहते हैं और इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर और इससे बहुत सारे विषय के ऊपर इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, SWOT एनालिसिस, अपने बारे में स्ट्रेंथ वीकनेस, पेरेंटिंग स्टाइल, रिलेशनशिप, इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, you're most welcome to attend 2-week self management leadership and personality development classes which starts every Monday. हर मंडे को नया बैच शुरू होता है, एक अगले आने वाले मंडे से है। टाइम इसका 7 AM to 9 AM है, मंडे टू फ्राइडे। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है यू कैन व्हाट्सअप मी, एंड अगला बैच जो है फरवरी का इन मंडेज को है, जो भी मैंने अभी टिक किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दैट एंड रजिस्टर करना है तो यू हैव टू व्हाट्सअप मी एट 9090099035। सेंड मी व्हाट्सएप पे से शेयर यू द डिटेल्स। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी न्यूली मैरिड कपल को, या कोई पेरेंट्स को, किसी के पेरेंट्स को, किसी दोस्त को, किसी के साथ भी ये relevant लगता है, kindly share it with them so that they also benefit, and they can also contact me on this number, and I'll share you the details, and I'm sure this will help you in understanding yourself and the various emotional conflicts that all of us are going through due to various reasons, including the parenting style that we experience, and we can correct it wherever necessary. Kindly share your comments on this video, and thank you, and may God bless you. Thank you very much.